अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में दो पार्टी होती हैं, एक होता है एजेंट और दूसरा होता है प्रिंसिपल। एजेंट एम्प्लॉय किया जाता है बाय द प्रिंसिपल, पर्सन एम्प्लॉयड, ठीक है। एजेंट हम एम्प्लॉयड कर रहे हैं, किस लिए एम्प्लॉय किया जा रहा है? टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, ठीक है, प्रिंसिपल के लिए। यहाँ पे अनदर का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। एंड द पर्सन, प्रिंसिपल कौन होता है? अ पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ए ने बी को अपॉइंट किया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल है ए एंड बी इज द एजेंट ऑफ ए, ठीक है, टू बाय कुछ भी, किसी चीज, किसी काम के लिए भी अपॉइंट किया। यहाँ पे अगर हम पर्पस कर लें टू बाय 10 बैग्स ऑफ शुगर, ठीक है, तो यहाँ पर ए कौन होगा? हमारा प्रिंसिपल, और बी होगा एजेंट। कई एजेंसी के लिए रूल्स हैं, जनरल रूल्स, अब वो देखते हैं। सबसे पहला रूल है, जो भी प्रिंसिपल होगा वो एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, कैन अपॉइंट एजेंट, बट सिर्फ उन कामों के लिए जिसमें उसका पर्सनल, जो पर्सनल स्किल है वो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। कैन अपॉइंट एजेंट एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर व्हाट? एक्सेप्ट फॉर दोज एक्ट्स विच इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करते हैं? विच इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट है, ही हु डज थ्रू अनदर डज बाय हिमसेल्फ। इसका मतलब है, यहाँ पर जो भी ऑब्लिगेशंस, जो भी एक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब प्रिंसिपल के खाते में होते हैं। इसका हम कह सकते हैं, ही हु डज अनदर डज बाय हिम थ्रू अनदर डज बाय हिमसेल्फ का मतलब कि अगर प्रिंसिपल किसी के थ्रू काम करा रहा है, बट वो एक्चुअली काम खुद ही कर रहा है, क्योंकि एजेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं, करे कोई भरे कोई, चाहे गलती एजेंट ने कर दी है, लेकिन सारे कॉन्सिक्वेंसेस प्रिंसिपल को ही झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दो जनरल रूल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एजेंट्स। तो काइंड्स ऑफ एजेंट्स दो पार्ट में डिवाइड हैं, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंट ऑफ देयर अथॉरिटी, कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है, उस बेसिस पर एक काइंड है, और दूसरा काइंड है नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म, कि कैसे वर्क परफॉर्म किया जा रहा है। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंड ऑफ देयर अथॉरिटी है, उसमें सबसे पहला एजेंट आता है जनरल एजेंट। जनरल एजेंट सारे काम करता है प्रिंसिपल्स के। हम इसके एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, जैसे कि मैनेजर ऑफ द कंपनी, ठीक है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मैनेजर ऑफ द कंपनी। दूसरा एजेंट कह सकते हैं स्पेसिफिक एजेंट, स्पेसिफिक एजेंट या स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट किसी भी एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए जब एम्प्लॉय किया जाता है वो होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने एजेंट एम्प्लॉय किया टू सेल अ कार, तो वो सिर्फ एक स्पेशल वर्क के लिए है कि कार ही वो सेल करेगा। थर्ड टाइप होता है इसका, यूनिवर्सल एजेंट। यूनिवर्सल एजेंट में जिसकी अथॉरिटी एकदम अनलिमिटेड होती है, जैसे कि जो भी लॉफुल एक्ट होगा प्रिंसिपल का, वो सारा एजेंट कर सकता है, ठीक है। तो जनरल एजेंट, स्पेशल एजेंट एंड यूनिवर्सल एजेंट है। तो इनकी अथॉरिटी के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। सेकेंड, नेचर ऑफ वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया गया है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है मर्केंटाइल एजेंट और दूसरा होता है नॉन मर्केंटाइल, ठीक है। जो नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स होते हैं, उनका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एडवोकेट्स, ठीक है, वाइफ अटोर्नीज, ठीक है। तो ये नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स होते हैं। जो मर्केंटाइल एजेंट्स होते हैं, यहां पर इनके पास अथॉरिटी होती है, या तो ये गुड्स को सेल करें या बाय करें, या फिर जो भी मनी रेज करना है सिक्योरिटीज पर वो सब कर सकते हैं, ठीक है, गुड्स के। मतलब क्या करता है ये? अथॉरिटी ईदर टू बाय और सेल गुड्स, और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। इसको हमने कैसे डिवाइड किया गया है? एक होता है फैक्टर। यहां पर फैक्टर का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ सेल के लिए, गुड्स की सेल के लिए हम गुड्स को रख के जाते हैं उसके, ठीक है, मतलब एजेंट रखते हैं उसको, हम बोलते हैं फैक्टर, जहां पे उसको गुड्स दिए जाते हैं फॉर सेल, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गुड्स, सेल ऑफ गुड्स के लिए।
ठीक है, वो वाला एजेंट, उसको हम फैक्टर बोलते हैं। दूसरा एजेंट होता है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट सिर्फ प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को बाय और सेल करता है और इन रिटर्न उसको कमीशन मिलता है प्रिंसिपल से। ठीक है, कमीशन एजेंट्स बाय करते हैं गुड को, सेल करते हैं गुड्स को और इन रिटर्न उनको कमीशन मिलता है। थर्ड पार्ट है डेल क्रेडा एजेंट। यहां पर डेल क्रेडा एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट होते हैं क्योंकि वो दो टाइप्स का एक्ट करते हैं। यहां पर ये एजेंट तो होते ही हैं एज वेल एज श्योरिटी भी होते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर ए ने, प्रिंसिपल है, उसने बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया है, तो यहां पर बी उसका एजेंट तो है ही है। बाकी क्या होगा कि जब प्रिंसिपल बोलेगा कि आप मेरे गुड्स को बाय या सेल करो, तो बी ने गुड्स को सेल करा और उसने प्रिंसिपल को बोला कि अगर थर्ड पार्टी, यहां पे जो थर्ड पार्टी है, अगर वो गुड्स के पैसे नहीं देती है तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो यहां पे वो एक एजेंट भी है और एक श्योरिटी भी, उसको इस चीज के लिए एक्स्ट्रा कमीशन भी दी जाती है। ये श्योरिटी देने के लिए, गारंटी जो आप दे रहे हो उसके लिए भी एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है। एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ मर्केंटाइल एजेंट इज ब्रोकर, जिसको ब्रोकरेज दी जाती है, वो भी एक एजेंट होते हैं। जो ब्रोकर होता है इसको गुड्स का पोजेशन नहीं दिया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। उनको गुड्स का पोजेशन नहीं दिया जाता, वो सिर्फ एक लिंक होते हैं बिटवीन द टू पार्टीज। जैसे कि घर के आपने सुना होगा ब्रोकर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक पार्टी है और दूसरी पार्टी है, उसके बीच में एक ब्रोकर होता है। ठीक है, वो दोनों के बीच में एक लिंकिंग पार्ट होता है। इसको गुड्स पोजेशन में तो नहीं दिए जाते, जैसे ए का घर अगर बिकवा रहा है सी, तो सी के पास वो पोजेशन नहीं है कि वो गुड्स को किसी भी तरह यूज कर ले या किसी को भी बेच दे, उसके पास तो कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो वो होते हैं ब्रोकर्स। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ एजेंट्स, यहाँ पे मैंने 6 ड्यूटीज और 6 राइट्स लिखी हैं। ड्यूटीज ऑफ एजेंट सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या क्या एजेंट की ड्यूटी होती है। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि जो भी प्रिंसिपल के डायरेक्शंस हैं वो उसको फॉलो करे। ठीक है, फॉलोस प्रिंसिपल्स डायरेक्शन। सेकेंड ऑफ ऑल कि जो भी ड्यूटी उसको दी जा रही है वो अपने रीजनेबल स्किल के साथ जो भी उसका वर्क है उसको कम्प्लीट करे। ठीक है, ड्यूटी टू कैरी आउट द वर्क विद रीजनेबल स्किल एंड डिलिजेंस। थर्ड है ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स है प्रिंसिपल्स के उस अकाउंट को बिल्कुल ईमानदारी के साथ करे। ठीक है, ड्यूटी टू कम्युनिकेट, प्रिंसिपल से हर चीज कम्युनिकेट करे कि वो कैसे एक्ट कर रहा है, अपनी मर्जी ना कर प्रिंसिपल के डायरेक्शंस को फॉलो करे। ड्यूटी नॉट टू डील इन हिज ओन अकाउंट, ठीक है, अपने अकाउंट पर जाकर कुछ एक्स्ट्रा ना करे ताकि कोई भी अगर बाद में प्रॉब्लम हो तो प्रिंसिपल उसको बोल ना सके कि तुमने अपने आप क्यों करा। ठीक है, तो अपने अकाउंट पर डील ना करे क्योंकि वो प्रिंसिपल को एक्ट कर रहा है, उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, तो अपने अकाउंट पर आप कुछ नहीं कर सकते। ड्यूटी नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट आउट ऑफ हिज एजेंसी एक्सेप्ट रेम्यूनरेशन, आपको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है लेकिन आप इसके अलावा अपनी एजेंसी से कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं करें। राइट ऑफ एजेंट क्या है, राइट्स ऑफ एजेंट, सबसे पहला राइट है कि आपको रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप जिसके हकदार हैं वो तो मिलना ही चाहिए। सेकेंड राइट ऑफ रिटेनर, रिटेनर का मतलब है कि समझ लीजिए कि वो अपने रेम्यूनरेशन मांग रहा है। ठीक है, तो उसके पास वो राइट है कि उसके जो भी सम ऑफ रिसीव, जो भी अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल है उससे रिटेन वो कर सके जो भी उसका रेम्यूनरेशन है। ठीक है, देन राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन का मतलब है कि जो भी गुड्स, जो भी मूवेबल गुड्स एंड गुड्स हैं, जब तक उसका कमीशन मिल नहीं जाता, जब तक उसका रेम्यूनरेशन मिल नहीं जाता, वो गुड्स को रिटेन कर सकता है। ठीक है, तो राइट ऑफ लीन मतलब उसको रोक सकता है, उन गुड्स को डिलीवर होने से रोक सकता है। सेकेंड है राइट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट। राइट टू इंडेमनिफाइड का मतलब है कि जो भी लॉफुल एक्ट हैं या जो भी एक्ट आपने फेथफुली करे हैं, ठीक है, जिनमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, उनमें आप कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं तो सिर्फ एजेंट हूं, आप प्रिंसिपल को पकड़िए। ठीक है, अपना बचाव कर सकता है, बचाव कर सकता है। ठीक है, राइट टू कंपनसेशन, कंपनसेशन के लिए राइट है उसका। एंड राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, अगर कहीं गुड्स भेज दिए हैं रस्ते में है तो उसके पास राइट है कि वो गुड्स को रोक सकता है क्योंकि वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो अगर प्रिंसिपल कहता है कि भाई गुड्स को रोका जाए
तो वो रोक सकता है। ठीक है, अब ये तो एजेंट्स की ड्यूटीज एंड राइट्स हैं। प्रिंसिपल्स की ड्यूटीज एंड राइट्स क्या हैं? जो भी ड्यूटीज एजेंट की हैं वही प्रिंसिपल के राइट्स हैं। ठीक है, और जो भी एजेंट के राइट्स हैं वो ड्यूटीज हैं प्रिंसिपल की। ठीक है।